तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, तुम सबका स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे अपने चैनल विलैक गेमिंग पे। तो गाइस यार, आज हम लोग यार वापस से खेलने जा रहे हैं लोकी क्राफ्ट 5 को। और गाइस यार, आज का यार हमारा जो यार वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यार आज हम लोग यार एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी यार हमारे 9K की फैमिली पूरी कम्प्लीट होने के खुशी में। तो यार सबसे पहले तुम सबको बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम सब ने इतना सारा सपोर्ट दिखाया। और यार आज हमारी यार 9K की फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि यार मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती है। पर यार अभी तो हमने स्टार्ट करा है, अभी तो हमें और आगे तक जाना है। तो यार मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मुझे ऐसी सपोर्ट देते रहोगे और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही बेहतरीन अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। और यार मैं फुल कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। तो इसलिए यार तुम लोग अपना सपोर्ट और ज़्यादा दिखाया करो और यार नीचे कमेंट्स भी ज़रूर करा करो। तो क्या वीडियो पर लाइक गोल तो तुम लोग कम्प्लीट करा देते हो पर कमेंट्स नहीं करते हो, तो कमेंट्स करना ज़रूरी है, कमेंट्स भी कर दे करो और अपने आइडियाज़ बता दे करो, जिससे यार मैं तुम सब क्या मतलब जान सकूँ क्या तुम लोगों को कैसी वीडियो अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, और तुम लोग क्या क्या कंटेंट आगे चाहते हो। और यार जिसका भी टॉपिक बढ़िया होता है ना, मैं उसको शाउट आउट भी ज़रूर से देता हूँ, इसे तुम लोग यार नीचे कमेंट ज़रूर से करा करो। तो यार देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग यार आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने तुम सबको बताया। तो आज की जो सीरीज होगी वो होगी हमारी डे 1 to 100 सर्वाइवल सीरीज, जो कि यार अभी तक लोकी क्राफ्ट 5 में किसी ने स्टार्ट नहीं करी है। और गाइस यार ये सीरीज मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी यार, ये हमारी सर्वाइवल सीरीज होने वाली है लोकी क्राफ्ट 5 के अंदर में। और गाइस इसके अंदर मैं पूरे 100 डेज सर्वाइव करने हैं लोकी क्राफ्ट 5 के अंदर में। तो यार मुझे को उम्मीद है कि तुम्हें ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और गाइस यार मैं भी इस पर अपना पूरा यार एफर्ट लगा दूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। तो अभी देखो मैं अपना यार एकदम ब्रांड न्यू वर्ल्ड बनाने जा रहा हूं, ताकि यार बाय चांस अगर मुझे कोई विलेज मिल जाता है तो तुम सबको ये शक ना रहे कि यार मैंने कोई सीड वगैरह यूज़ करा है, क्योंकि यार मैं ना इसमें तुम्हारे सामने ही सब कुछ बिल्कुल यार मतलब क्लियर क्रिस्टल रखना चाहता हूँ, ताकि यार तुम्हें बिल्कुल डाउट ना रहे कि मैं कोई तुम्हारे संग फेक वगैरह कर रहा हूँ। तो देखो मैंने इसका नाम 100 डे सर्वाइवल डाल दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे सर्वाइवल पे कर रखा है। और यहाँ पे देखो मैं इसकी डिफ़िकल्टी पूरी हार्ड पे डाल दिया हूँ, क्योंकि यार हार्ड में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हमारी हार्ड पे चल रही है, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी तक कोई भी सीड नहीं डाला है। तो यार तुम सबको ये तो पता चल ही गया, देखो कोई सीड नहीं है। अब फटाफट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना जल्दी से अपने शो कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि यार मैं ना तुम सबको ये सीड दे दूंगा, जो भी मेरा वर्ल्ड स्पॉन होगा ना मैं उसका सीड तुम्हें दूंगा, ताकि तुम लोग भी मेरे संग सर्वाइवल अपनी स्टार्ट कर सको। पर उसके लिए तुम्हें इस वीडियो पे कराने होंगे पूरे 120 लाइक्स कंप्लीट। जैसे ये लाइक गोल कंप्लीट होगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इस सर्वाइवल जो मेरा सीड होगा इसका मैं तुम्हें ज़रूर से दूंगा पूरा सीड। और देख सकते हो यार मेरे को पता नहीं यार कहाँ पर इन्होंने रैंडमली स्पॉन कर दिया है, या बिल्कुल मतलब एक झाड़ के ऊपर यार इन्होंने स्पॉन कर दिया है बिल्कुल, या मैंने सोचा नहीं थी, या मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा यार। मेरे को लगा था कि यार मतलब थोड़ा बहुत लक अच्छा होगा तो हमें विलेज वगैरह मिल जाएगा, पर यहाँ पे विलेज का तो दूर दूर तक चांस ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग सोचो अपना ना व्यू पॉइंट सही कर लेते हैं। तो देखिए तो यार अभी मैं आ चुका हूँ अपने फर्स्ट पर्सन व्यू के अंदर में, और गाइस यार यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डे 1 स्टार्ट करा, तो जैसे तुम लोग देख सकते हो अभी मैं देखो पूरे झाड़ के ऊपर यहाँ पे घूमता रहूँगा। और यार मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से मुझे आगे भी चलना चाहिए, क्योंकि यार जैसे कि तुम सबको पता है मैं यार हमेशा जब भी कोई वर्ल्ड बनाता हूँ तो सबसे पहले यार हम लोग सर्वाइवल में क्या काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के सबसे पहले हम लोग यार झाड़ तोड़ते हैं। तो देखो जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ ना तो मैं इसका पूरा फायदा उठाता हूँ, और यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी झाड़ दिख रहे हैं इन सब क्या मैं जितनी भी लकड़ी है इन सबको मैं तोड़ के कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस यार उसके बाद मैं जंगल के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने जितने भी पेड़ हैं इन सबको मैं तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा से ज़्यादा वुड चाहिए होती है। और अभी देखो हार्ड मोड है तो यहाँ पे ना डे बहुत जल्दी जल्दी बीतते हैं, तो तुम लोग देख सकते हो अभी यार ये हमारा फर्स्ट डे चल रहा है, तो फटाफट से यहाँ पे जितनी वुड तोड़ सकता हूँ इन सबको मैं तोड़ लेता हूँ, ओके। ये सब ना तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो फटाफट से मैं इन सबको तोड़ता हूँ। और यहाँ पे मैं ना ये बीच वाली वुड भी हम तोड़ने वाले हैं, तो इन सबको तोड़ने के बाद यहाँ पे मैं अपने कुछ टूल्स वगैरह बनाता हूँ, जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पे नीड है अपनी पिकैक्स की, तो यहाँ पे मैं एक्स बनाता हूँ, ओके। एक्स हम लोग जल्दी जल्दी जितने पेड़ हैं ये सारे तोड़ सकते हैं, तो फटाफट से यहाँ पे जितने पेड़ हैं ये सारे मैं तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। और यार मैं फटाफट जितना भी ये सारा पेड़ तोड़ लेता हूँ।
तो यार जैसे ही मैं सारे पेड़ तोड़ लेता हूँ उसके बाद जैसे मेरे को लगता है मेरे पास खाने की कमी हो सकती है, तो यहाँ पे देखो मैं पानी के अंदर आता हूँ इस वाली फिश को मारने के लिए। यार ये वाली फिश मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करती है, लिटरली बताऊँगा इतना मेरे को कोई भी एनिमल आज तक तंग नहीं करा, पर ये फिश ना मेरे भाई मतलब हाथ में ही नहीं आती है। पर मैं इस जैसे करके फाइनली मार ही देता हूँ कुछ इस तरीके से, और जैसे मैं इसे मारता हूँ तो मैं इसका जितना भी खाना होता है सारा कलेक्ट मेरे पास हो जाता है। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ यहाँ से मैं ना बाहर निकल जाता हूँ मैं फटाफट से, और यहाँ पर मेरे को कुछ लिली पैड देखने को मिलते हैं। पहले तो मैं सोचता हूँ क्या मैं इन लिली पैड को अपने संग में ले चलूँ, पर मेरे को बाद में पता चलता है क्या इन लिली पैड का अभी मेरे को कोई भी यूज़ नहीं है। तो इससे मैं फटाफट से इस वाले पानी से यहाँ पर बाहर निकलता हूँ मैं। तो जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे मैं और खाने की खोज में पहुँच जाता हूँ, तो यहाँ मेरे को एग दिखता है। तो यार जैसे ही मेरे को एग दिखा तो मैं पूरा कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पे कोमड़ी ज़रूर होगी, और यहाँ पे देखो मेरे को कोमड़ी मिलती है, और ऐसे करके यहाँ पे मैं और खाना ढूंढने भी निकलता हूँ। तो यार जैसे यहाँ पे ज़्यादा रात हो जाती है ना, तो यहाँ से यार मैं अपने सारे जॉम्बी से बचने के लिए यार एक मतलब यार पेड़ के ऊपर आ जाता हूँ, और यार यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि तो यार ना मेरी जो एक्सपी होती है वो यार बहुत हद तक कम कर दी होती है इन सारे जॉम्बीज़ ने। तो आप बैठ के सबसे पहले अपना सारा फूड है पहले मैं उसे बैठ के खाता हूँ, क्योंकि तो मेरे को इसके बाद ना आगे जाना होता है, क्योंकि तो ये जगह अभी भी मेरे लिए सेफ नहीं थी। तो मैं और आगे जाने की सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यार मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाऊँगा। तो मैं सोचता हूँ किसी बड़ी पहाड़ी पर चलते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से ना यहाँ से कूद के डायरेक्ट पहाड़ी के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि तो मेरे को पहाड़ी पे ही सबसे ज़्यादा सेफ लगता है। तो गाइस यार फाइनली इन सभी जॉम्बीज वगैरह से बचते बचते मैं एक पहाड़ी के ऊपर आ जाता हूँ, और यार रास्ते में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो यार अब मैंने यहाँ पे अपना जितना भी सारा सामान है वो सारा मैं यहाँ पे प्लेस करके अपने जितना फूड है उस सबको मैं यहाँ पे कुक करने के लिए लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे बिछा दिया है, और यार साथ साथ में यहाँ पे मेरा जितना भी सामान होता है वो सारा भी यार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करना होता अपना। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जितना मेरा फूड होता है इस सबको मैं कुक करने के लिए लगा देता हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ लॉग वगैरह भी होते हैं, तो यार जब तक मैं क्या करता हूँ जब तक यहाँ पे मेरा खाना कुक हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे मैं अपने यहाँ कुछ टूल्स वगैरह क्राफ्ट करने की सोचता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं अपने पहले कुछ स्टिक्स वगैरह बना के यहाँ पे अपने सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे सुरुन की एक्स, और उसके बाद मैं बनाता हूँ अपने लेग स्टोन की पिकैक्स। तो ये सारा काम करने के बाद में ना मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं बचता है, तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी पूरी रात सर्वाइव कर लूँ, और मेरा जितना खाना होता है वो सारा मेरा कुक हो चुका होता है। तो फटाफट से मैं इस सबको खा के अपना हंगामा पूरा करके अपनी पूरी एचपी फुल कर लेता हूँ, और अपनी पूरी नाइट यार मैं यहीं पर सर्वाइव करता हूँ। Approximately 10 hours later. तो यार देख सकते हो यार एक और नई सुबह हो चुकी थी, और यार यहाँ पे ना मेरे को मैं नई सुबह के बाद पूरा शाम हो जाती है यार जब तक मेरे को यहाँ पे एक माइन मिलती है। तो फटाफट से यहाँ से मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, और फिर मैं अपने लिए ना कुछ चीज़ें बनाता हूँ, जैसे कि मेरे को यहाँ पे फर्नेस चाहिए होती है। तो इस फर्नेस के अंदर मैं फटाफट से ना जितने भी अपने यहाँ कूट मतलब यहाँ पे जितना भी मेरा वो होता है ना लॉक उन सबसे मैं अपने लिए यार जहाँ पे चारकोल बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना देखो मैं माइन के अंदर जाने की सोच लेता हूँ, क्या मेरे पास यहाँ पे देखो चारकोल वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं चारकोल बना लेता हूँ ताकि मैं कुछ टॉर्चेस बना सकूँ और फिर मैं अंदर जा सकूँ। तो यार जब तक मैं यहाँ पे ना सारा यार सामान अपना माइंड कर लेता हूँ, पर यार यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी होती है, तो यार यहाँ पे मैं वापस से सो जाता हूँ। और गाइस यार यहाँ पे हमारा एक और नया दिन जल्दी से स्टार्ट होने वाला होता है, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक और नया दिन स्टार्ट हो चुका होता है, और यहाँ पे देखो ये हमारा होता है डे 5, क्योंकि यार डे 4 हमारा ऐसे ही निकल गया था बीच में टाइम वेस्ट करते करते। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे अब यार मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो जितना सामान था सारा स्मेल्ट रूम में पूरा एक दिन ले लिया। तो अब देखो यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से अंदर जाते हैं यहाँ पूरी मैं माइंड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ, और मेरे को पूरी उम्मीद होती है कि यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। तो इसी उम्मीद में मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मेरे को शुरुआत में यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा सा कोल वगैरह। तो जैसे मैं इस केव में आता हूँ तो मैं सोच लेता हूँ कि मैं जब तक यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा जब तक मैं अपने लिए कोई आर्मर वगैरह बनाने लायक अपने लिए कुछ ओर्स वगैरह कलेक्ट नहीं कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं जब तक क्या करता हूँ यहाँ पे अपने लिए मैं एक टू स्टोन की पिकैक्स बना के एक स्टोन की वो बना लेता हूँ सॉर्ड वगैरह। और यहाँ पे देखते हो अब यहाँ पे मैं अपना जितना भी सामान है ये सारा अपनी इन्वेंट्री में अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ना कुछ कोल वगैरह मेरे को सामने दिखता है, तो ये सारा कोल मैं तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, पर उससे पहले जितना भी खाना होता है इस सबको मैं कुक करने के लिए लगा देता हूँ। तो देख सकते हो मैं फटाफट से यहाँ पे जितना कोल है इस सबको यहाँ पे मैं माइंड कर लेता हूँ, तो क्या ये जो कोल है ना मेरे बहुत सारा काम आ सकता था आगे। पर कोल की बनाया इस सर्वाइवल को आप पूरा कंप्लीट करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता मेरे लिए। तो आप मेरे को जितना भी कोल दिखता है ये सारा का सारा मैं माइंड करता हूँ, और इसको माइंड करने के बाद में ना इस वाली माइंड के अंदर मैं आगे भी बढ़ता हूँ।
तो जैसे मैं इस माइंड में आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन देखने को मिलता है। तो इस सारे आयरन को मैं फटाफट से यहाँ पे माइन करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना मेरे को जल्दी जल्दी या कोई सा भी मेरे को चाहे और मिल जाए, मेरे को अपने पहले से एक आर्मर बनाना था, क्योंकि मैं बिना आर्मर के यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मैं ना यहाँ पे जितना आयरन दिखता है ये सारा का सारा आयरन मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अपने लिए आयरन और डायमंड वगैरह कलेक्ट कर सकूँ। पर यार मैं यहाँ पे जितना भी हो सकता है मैं सारा का सारा कोशिश लगा देता हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। पर ये माइंड ना मेरे लिए बहुत सारा यार बड़ी होती जाती है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से कहीं ना कहीं और आगे भी निकलता हूँ। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पूरा एक्सप्लोर कर लिया होता हूँ, तो यहाँ से मैं ना यहाँ पे इस तरफ भी आगे बढ़ने की सोचता हूँ, क्योंकि जिस तरफ मेरे को लगता है यहाँ से मैं अंडरग्राउंड जा सकता था, तो यहाँ से मैं अंदर गया और यहाँ मेरे को फिर से बहुत सारा आयरन मिला। तो यार मैं सोच देता हूँ अब मैं जब तक यहाँ से नहीं निकलूंगा जब तक यार मैं अपने लिए कुछ बढ़िया सा टूल्स वगैरह आर्मर्स वगैरह नहीं बना लेता। तो यहाँ से यार मैं यही करते करते ना अपना आगे बढ़ता जाता हूँ। तो यार ऐसे ही करते करते ना हमारा पूरा यार डे 8 स्टार्ट हो जाता है, और यार मतलब यार डे 7 हमारा लगभग ख़त्म ही होने वाला होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ना मैं पूरा यार सर्वाइव करने के लिए अपना यहाँ पे इस पूरे एरिया को कवर कर लेता हूँ। पर यार पूरे यार मतलब मेरे को यार 3 नाइट निकल गई मेरी, पर मेरे को यहाँ पे अभी तक गोल्ड नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो माइन है बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने एक छोटा सा रूम भी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को ना देखो मैं लगभग ना ऐसे करके अपने यार जितने 3 दिन है ये मैंने ऐसे सर्वाइव करे हैं पूरा माइनिंग करते करते यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो मेरा एरिया बन चुका है, तो यहाँ पे अपना जितना सामान है सारा मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और मेरे पास देख सकते हो कुछ आयरन और भी आ चुके हैं, तो यार मैं इन सबको भी यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि इससे यार मेरे बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे और यार मैं अपने लिए आर्मर वगैरह बना पाऊंगा। पर यार यहाँ पे जैसे ही मैं अपना सारा सामान लगाता हूँ तो उसके बाद मैं सोचता हूँ यहाँ पे मेरे को ना सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे नहीं सोऊंगा ना तो मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यार देख सकते हो अभी यार हमारे देखो ये वाला दिन भी खत्म होने वाला है, और गाइस यार अब हमारा जो नेक्स्ट डे है यार ये हमारा डे 13 है। तो तुम लोग कह सकते हो यार डे 13 तक मेरे पास यार पूरा एक आयरन का आर्मर हो जाता है, साथ में जितने आयरन के टूल्स होते हैं वो सारे भी मेरे पास यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब मैं ना लगभग अब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मैं आगे और सर्वाइव कर सकता हूँ। तो यार अब मैं सोचता हूँ कि या तो मैं अपना घर बनाऊंगा, तो यार मैं घर बनाने में इतना टाइम वेस्ट करता तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि यहाँ से ना मैं एक विलेज ढूंढता हूँ, क्योंकि विलेज के अंदर मेरे को अच्छी वाली लूट भी मिल सकती है। तो यहाँ से मैं फटाफट निकल जाता हूँ विलेज ढूंढने के लिए, और यार जितना भी रास्ते में खाना वगैरह मिलता है वो सारा भी यार यहाँ पे मैं कलेक्ट करता चलूंगा, जैसे कि यहाँ पे अभी देखो कलेक्ट करता जा रहा हूँ। और गाइस यार मैं अपना पूरा यार ध्यान लगा दूंगा पूरा विलेज ढूंढने में। तो यहाँ से हम लोग फटाफट चलते हैं अपना विलेज ढूंढने के लिए। 2000 years later. तो लगभग हमारे यहाँ 6 नाइट निकल जाती हैं, मतलब 4 दिन निकल जाते हैं। और गाइस ये हमारा होता है डे 19। तो डे 19 पे मेरे को यहाँ पे मिल जाता है फाइनली एक विलेज, और गाइस इस विलेज को देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ ना क्या तुम लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि मैंने अपने पूरा दिन निकाल देते हैं इस पूरे विलेज को ढूंढने में। तो क्या विलेज में जैसे तुम सबको पता है कि हमें लूट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है, हमें बहुत सारे घर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और साथ साथ में हमें यहाँ पे विलेजर देखने को मिल जाते हैं जिनसे हम लोग आगे जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे यार शुरुआत से माइंड में ये प्लान चल रहा था कि यार जैसे मैं अपना विलेज वगैरह ढूंढ लूँगा तो उसके बाद ना यार मैं हम इसी विलेज के अंदर रहना स्टार्ट कर दूंगा, यहीं पर अपने सारे यार मतलब घर वगैरह बनाऊंगा, और मैं इस विलेज से यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला हूँ। तो यहीं से यार हम लोग पूरी जर्नी को अपना स्टार्ट मतलब अब कंटिन्यू एक तरह से लोग कह सकते हो मेन जर्नी हमारी यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहीं से यार हम लोग अपना यार एंडर ड्रैगन को मारने तक का सफर स्टार्ट करने वाले हैं। और तुम लोग देख सकते हो इस यार सबसे पहले घर के अंदर आते ही यहाँ मेरे को देखने को मिलता है कुछ गोल्ड इंगट्स और कुछ ब्रेड्स वगैरह। तो इस सारे गोल्ड इंगट्स और ब्रेड्स वगैरह के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी जगह बनाता हूँ, और फिर मैं इस सारे एरिया को जितना मेरे पास बेकार सामान होता है इसको खाली करके मैं इस सारे विलेज को लूट लेता हूँ। तो मैंने तो विलेज को पूरा एक्सप्लोर भी नहीं करा होता है, और यहाँ पे आप विलेज को बिना एक्सप्लोर करे यहाँ पे हमारा डे 19 भी पूरा खत्म हो जाता है। और गाइस हमारा डे 20 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इस डे 20 के अंदर मैं इस पूरे विलेज को लगभग एक्सप्लोर कर ही डालूंगा। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैं देखो लगभग सारे घर खोल के देख लिए हैं, पर यहाँ पे ना और भी ऊपर की तरफ घर हैं, तो मैं इन सारे घर को भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ, और फिर जो भी लूट मिलेगी मैं वो तुम सबको बताऊँगा। तो फटाफट जितना विलेज है सबको मैं लूट लेता हूँ। तो यहाँ पे यार हमारे यार डे 21 स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे यार अब मैं नीचे जाता हूँ, क्योंकि नीचे ना मेरे को यार एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखता है, और मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को वहाँ से अच्छी भली यार मैं ट्रेड वगैरह कर पाऊँगा, पर ये मेरी गलतफहमी होती है। तो तुम लोग आगे देखो कि देखो यहाँ पे देखो मेरे को ये ट्रेडर तो मिल जाता है, पर सबसे पहले गलती तो मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसके लामा को मार देता हूँ, और फिर ये लामा मेरे को उल्टा मारता है, पर इससे मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं होता। तो यहाँ पे वापस से ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ, पर मैं ट्रेडिंग करने के लिए नाकाम हो जाता हूँ। फाइनली मैं ट्रेड करने का बटन दबाता
जाता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे को ये यार एमरल्ड के बदले में ये सब बेकार बेकार चीज़ें दे रहा था जो कि मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आनी थी। तो मैंने सोचा इससे ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा बेकार है और यहाँ पे देखो ये हमारा यार एक और डे ख़त्म होने वाला था तो यहाँ से मैं फटाफट निकल जाता हूँ ऊपर की तरफ में। और गाइस यार अब मैं पूरा यहाँ से ऊपर निकल जाता हूँ और क्या मैं और ज़्यादा यार अपने दिन बर्बाद नहीं कर सकता था। मतलब यार यहाँ पे अगर रात हो जाती है ना तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ से यहाँ पे रात होती है तो यहाँ पे जगह मिलना मुश्किल होता है यार सोने के लिए। तो यहाँ से अब वापस ऊपर नहीं जा पा रहा तो यार यहाँ पे मेरे को वापस से किसी और के घर के अंदर जाना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे सो सकूँ आराम से। तो यहाँ पे देखो मैं किसी और का घर ढूंढने लगता हूँ और मेरे को याद आता है कि यार जो मैंने पहले एक घर एक्सप्लोर करा था तो इस वाले घर के अंदर नहीं दूसरे वाले घर के अंदर ना मेरे को यार एक जगह मिली थी वहाँ पर मेरे को एक बेड भी मिला तो मैं फटाफट से वहाँ पर जाके अपना यार सो जाता हूँ और फिर मैं अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग में उठता हूँ। तो गाइस ये अभी चल रहा है हमारा डे नंबर 25 और गाइस मैंने इस विलेज को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है और अभी के लिए ना मैंने अपना जितना सामान है वो सारा मैंने ऊपर रख दिया है और मैं अभी नीचे सो रहा हूँ। तो क्या अभी मैंने जितना सामान है वो सारा ऊपर ही रख रखा है क्योंकि मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे को कुछ फ़ायदा वगैरह तो नहीं होता। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ और मैं तुम्हें ना ऊपर अपना घर दिखाता हूँ। तो क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या मैंने यार इतने टाइम से यहाँ पर मैं जब घूम रहा था ना तो मैंने लगभग अपने यहाँ जितने भी यहाँ पर विलेज के घर थे ये सारे मैंने लूट भी लिए थे और साथ साथ में मेरी इन विलेजर्स से अच्छी वाली जान पहचान भी हो चुकी है। तो फटाफट से मैं तुम्हें ऊपर घर पर लेके चलता हूँ। तो गाइस यार ये है अपना घर जो कि अभी तुम लोग देख पा रहे हो और तुम लोग देख सकते हो अभी यार हमने देखो अपने पूरे डे 25 कंप्लीट कर लिए हैं जो कि पूरे 25 डेज हमने सर्वाइव कर लिया है अभी यार इस वाले सीरीज के अंदर में। और अभी हमारे पूरे 75 डेज बचते हैं जिसके अंदर हमें यार अभी एंडर ड्रैगन तक को मारना है। तो यार ये सीरीज बहुत ज़्यादा अमेजिंग चलने वाली है यार ये हार्ड मोड है इसलिए इसके अंदर जो भी काम करते हैं ना उसमें जल्दी जल्दी दिन और रात निकल जाते हैं क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर देखो अपना आउटडोर ज़्यादा लंबा कर दूंगा ना तो यहाँ पर भी रात हो जाएगी। तो यार बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो फटाफट जाके इस वाली वीडियो को लाइक कर दो साथ साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो फटाफट जाके इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो मिलता हूँ तुम्हें इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।